हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया सैमसंग M11 और इसका प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम, नो सर्विस। ये नो सर्विस कैसे ठीक होगा मेरा इस वीडियो देखने से आपको 100% आइडिया आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, पहले मोबाइल को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद देखते हैं कहाँ से इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, सैमसंग M11 M02S A12 और भी बहुत सारे मॉडल में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आता है तो मेरा ये वीडियो देखने से आपका ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड को बाहर निकालेगा। निकालने के बाद नेटवर्क IC जहाँ पे रहता है उस टीना को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टीना को बोर्ड से अलग करना पड़ेगा। टीना को ट्वीजर से इस तरह निकालना चाहिए। ये जो ट्वीजर देख रहा है मेरा हाथ में, थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, थोड़ा हार्ड होना चाहिए ट्वीजर, नहीं तो आप लोग ब्लोअर से भी निकल सकता है। थोड़ा आराम से निकालो, टीना के अंदर में ज़्यादा ट्वीजर मत घुसाओ। ठीक है, थोड़ा सा ही लगा के उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहता है WTR IC, WTR 2965 इस IC का नंबर है। तो अभी हम लोग इस IC को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो WTR IC है ये बहुत सारे मॉडल में लगता है। ठीक है, और बहुत सारे मॉडल में भी आपको मिलेगा, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ये नॉर्मली जियो से लेकर MI, ओप्पो, वीवो बहुत सारे मॉडल में मिलता है। ठीक है, आपके पास अगर IC नहीं है तो आप लोग एक बार पुराना मदरबोर्ड में चेक करो, मेरा ख्याल से 100% मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने IC लगाया ये भी जियो का IC है, जियो जो मोबाइल है उसका IC है, जियो फोन से निकल के मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने IC को लगा दिया है, तो अब चेक करते हैं, देखते हैं ये मेरा काम एक्चुअली सक्सेस हुआ कि नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। तो दोस्तों, IC लगाने के बाद अगर एक बार में नेटवर्क नहीं आता है तो दोबारा IC लगा के चेक करो। ठीक है, कभी कभार IC ख़राब होता है, जो IC आपने लगाया वो IC ख़राब होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं मेरा यहाँ पे एक बार में नेटवर्क आता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, एक बार में नेटवर्क आ गया। ठीक है, जो IC मैंने लगाया ये बिल्कुल सही था, एक बार में नेटवर्क आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लिया होगा शायद, नेटवर्क आ गया यहाँ पे देखो। वीडियो अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। ठीक है।